यस मैम। मैम एक बार और समझा दो ना। देखिए आपको सिर्फ ड्रॉ पर ध्यान देना है। ड्रॉ में सबसे पहले आपको बताना है, सबसे पहले आपको सिर्फ ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गरेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमको ये बताना है कि ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो क्या होता है, उनमें अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। हमने बता दिया ए बी लाइन सी डी के क्या है, पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब सेम हम बोल रहे हैं ए डी और बी सी ये दोनों भी पैरेलल लाइन है और ए सी उसके लिए भी ट्रांसवर्सल है, तब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अब बिना इस ए सी साइड के ये दोनों ट्रायंगल बन पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए ए सी क्या हुई, ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड हुई। बस हमको यही तीन चीज प्रूफ करना है, एक आपने ये वाला एंगल प्रूफ कर दिया, दूसरा आपने ये वाला एंगल प्रूफ किया, थर्ड आपने साइड को बता दिया। तो एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड कॉन्गरेंसी से ये दोनों एंगल कॉन्गरेंट है, ठीक है, ये दोनों आपके ट्रायंगल क्या बन गए, कॉन्गरेंट हो गए। अब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर थ्री। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड जैसे ए बी की अपोजिट साइड सी डी है और ए डी का अपोजिट साइड बी सी है, तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। देखते हैं आपके पास ये स्टेटमेंट है, आपका गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एक हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल सी डी है और ए डी इक्वल बी सी है, मतलब ए बी लाइन सी डी के इक्वल आएगी और ए डी बी सी के इक्वल आएगी, ये हमको प्रूफ करना है। हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ज्वाइन ए सी, हमने ए से सी को ज्वाइन कर दिया। अब सेम जैसे हमने थ्योरम नंबर टू को लेकर चले थे, सेम हम यहाँ पर वही चीज करेंगे। ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो आमने सामने की लाइन पैरेलल होगी, तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के क्या होगा, क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। अब ए डी और बी सी पर हम, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हुआ आपका, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है और ये वाला साइड आपका क्या बता रहा है, कॉमन साइड बना रहा है, ठीक है। हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है और ये कॉमन साइड है। हमने दो ट्रायंगल में तीन चीजें प्रूफ की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉमन साइड एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हमने दोनों ट्रायंगल की तीन चीजें प्रूफ कर दी हैं एंगल साइड एंगल कॉन्गरेंसी से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्गरेंट हो गए। कॉन्गरेंट होने का मतलब ये होता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे की इक्वल है, तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, सी डी, और ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, बी सी। आपको क्वेश्चन ने यही तो बोला था कि साइड को इक्वल बताना है, तो हमने दोनों ट्रायंगल को ये कॉन्गरेंट बता दिया, कॉन्गरेंट बता दिया तो इनकी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल ही होगी। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि ये ए बी इक्वल है डी सी के और ए डी इक्वल है सी बी के, किससे, बाय सी पी सी टी, कॉन्गरेंट पार्ट ऑफ कॉन्गरेंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गरेंट ट्रायंगल से। समझ में आया ये वाला भी? यस मैम। यस मैम। ओके नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर थर्ड। देखिए आपका स्टेटमेंट बोल रहा है द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल सी होता है और एंगल बी का अपोजिट एंगल एंगल डी होता है, तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन में हमारे पास सिर्फ एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपको दिया गया है, प्रूफ करना है एंगल ए के इक्वल एंगल सी होना चाहिए, एंगल बी के इक्वल एंगल डी होना चाहिए। देखिए अब ए बी पैरेलल डी सी, हम जानते हैं ए बी लाइन डी सी के पैरेलल है, ठीक है, एंड ए डी इंटरसेक्ट। देखो ए बी और
डीसी, ये दोनों पैरेलल लाइन है। देखो आपको ये दोनों एक पैरेलल लाइन है और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन और ए डी आपका क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो एंगल ए और एंगल डी का हम ए डी स्तंभ कर दे, आपको क्या करें, इंटरसेक्ट करें दोनों लाइन को, ए बी और सी डी, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट करिए। जैसे देखो हमने चैप्टर 9 में सीखा है इसको, देखिए आपका ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, जैसे हम एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से बनाते हैं या फिर हम इसको एक इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तब हमने देखा था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक आपको इस तरह से लाइन दी जाए और यहाँ पर एक एंगल बना है, यहाँ पर एक एंगल बना है, तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, एक 180 डिग्री होगा। सेम चीज यहाँ पर भी है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल का सम 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री होता है। सेम अब हम यहाँ पर AD और BC को देखते हैं, ये दोनों भी क्या है, एक लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, और DC लाइन, ये वाला लाइन और ये वाले लाइन को DC लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जब DC लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल D और एंगल C होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, जब ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट, तो ये वाली दोनों लाइन का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री। अब जब हम यहाँ पर देखें कि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दोनों पैरेलल, और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने वही चीज लिखा। अब क्वेश्चन नंबर वन, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू देखें, दोनों का राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया, दोनों में एंगल डी और एंगल डी आपको दिखाई दे रहा है, एंगल डी से एंगल डी कैंसिल हो गया, क्या बचा, एंगल ए इक्वल एंगल सी। हमको यही प्रूफ करना था कि एंगल ए इक्वल एंगल सी आता है, यहाँ पर हमने देख लिया कि एंगल ए और एक एंगल सी हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम एंगल बी इक्वल एंगल डी भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन करके दिखाना नहीं है, सिर्फ लिखना है कि सिमिलरली एंगल बी इक्वल एंगल डी होगा। ठीक है, तो यही चीज हमको दोनों प्रूफ करनी थी, जो हमारी प्रूफ हो गई। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई और डाउट है? यस मैम। नो मैम। कोई भी डाउट किसी को? और कल जो आप लोग को करवाया गया था, सभी ने अपने कॉपी में नोट कर लिया है? यस मैम। तो नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। तो आप लोगों को थ्योरम वन, थ्योरम टू, थ्योरम थ्री एंड थ्योरम फोर, फोर थ्योरम्स आपको पढ़ाए गए हैं चैप्टर 11 में, और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ाया गया है, तो ये सभी आपका कंप्लीट होना चाहिए अपनी कॉपी में। आज मैं आप लोगों को इतना ही करवा रही हूँ, कल इसके आगे का हम लोग देखेंगे। चैप्टर 11 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर 11 में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, इसके बाद हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 जो है आपका वो है सिमेट्री वाला एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर है। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बताया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमेट्री एंड ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, इसको भी आप अपने रेगुलर जो कॉपी है उसी में कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए ज्योमेट्रिकल बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसके बाद कल से हम लोग चैप्टर 12 देखेंगे। आज यहीं पर आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हो रहा है, मैं इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। ठीक, ओके मैम।